नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी कंपनी, नानक नाम मशीनरी कंपनी, अनमोल मशीनरी एंड गुरप्रीत मशीनरी कंपनी में स्वागत है। आज मैं आपको अपनी फैक्ट्री में लेकर आया हूँ। नानक नाम मशीनरी कंपनी एंड सुखराज मशीनरी कंपनी, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, नानक नाम मशीनरी कंपनी एंड सुखराज मशीनरी कंपनी, 52 नंबर प्लॉट है ये, आप देख सकते हैं हमारा ऑफिस है, साथ ही में फैक्ट्री है हमारी। आ जाओ, मैं आपको सभी टाइप की यहाँ पे मशीन मिल जाएगी आपको, जैसे एडजस्ट कैरिंग, नोटबुक वाली, नैपकिन वायर, नेल स्क्रू, बार्बड वायर, किसी भी टाइप की मशीन चाहिए आप ले सकते हैं हमारे से। आ जाओ, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ अभी फैक्ट्री में, मशीन्स के बारे में बताता हूँ और ऑफिस भी दिखाता हूँ आपको। आ जाइए आप। दोस्तों ये हमारा ऑफिस है, आप देख सकते हैं। दोस्तों किसी ने कोई भी मशीन लेनी है, अमृतसर में आके हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकता है, ऑफिस विजिट कर सकता है, उसको कोई भी मशीन देखनी है, कोई भी मशीन का ऑर्डर करना है, तो अब जब मर्जी आके हमारी फैक्ट्री विजिट करके ऑर्डर कर सकता है। नहीं तो अपनी सिटी से बैठा ही वहाँ से पेमेंट करें, यहाँ से मशीन डिस्पैच हो जाएगी, अपने घर से बैठे ऑर्डर करो मशीन जो भी चाहिए आपको, 1 वीक या 10 दिन में आपको मशीन डिलीवर हो जाएगी घर पर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैं आपको और भी मशीन्स के बारे में जानकारी देता हूँ अभी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों आपके लिए हम रोज नए नए बिजनेस आइडियाज, तरह तरह के बिजनेस आइडियाज लेके आते रहते हैं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूँ जिसको आप डेली करके आसानी से 15 से 20 हज़ार आसानी से कमा सकते हैं। ये बिजनेस की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है हर घर में, हर ऑफिस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर में, किसी स्कूल में लगा लो, ट्यूशन सेंटर्स घर पे कहीं पे भी लगाओगे, इसकी ज़रूरत आपको हर जगह दिखेगी दिखेगी। कोई आपका कैफ़े है वहाँ पे भी, ये बिज़नेस का नेम है नोटबुक मेकिंग बिजनेस, तो आप कहीं भी देखोगे, कोई कैफ़े है, कोई भी आपका स्कूल है, ऑफिस है, कहीं ट्यूशन सेंटर, घर पे, हर जगह पे आपको कॉपी की नीड, लिखना है कुछ भी तो पेपर की नीड चाहिए चाहिए, तो उसी लिए ये आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फुली ऑटोमेटिक नोटबुक मेकिंग मशीन। ये मशीन में से आपका बहुत कम लेबर में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जो पहले मशीन चलती थी उसमें होता था, अलग अलग मशीन में सारा काम होता था, मैनुअल वर्क होता था, तो उसमें इस उसमें होता था आपका, जैसे पहले मैनुअल, जिस मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आता था ऐसे पेपर आ जाता था और एक टाइटल आ जाता था अलग से, तो ऐसे आता था तो उसको आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ता था हाथ से, जो मैनुअल मशीन में होता था पहले, उसमें हाथ से फोल्ड करके फिर स्टिचिंग मशीन में पिन लगाते थे, फिर दूसरी अलग मशीन में जाना था तो उस फिर एज स्कैनिंग होता था, तो लेबर 3-4 आदमी इसी प्रोसेस में लग जाते थे। तो जो मैं आज आपके लिए बिजनेस लेके आया हूँ, मशीन लेके आया हूँ, इसमें आपने बस पेपर और टाइटल को यहाँ पे ऐसे रख देना है, प्लेन पेपर और टाइटल आप सीधा इस मशीन पर रख दोगे तो ऑटोमेटिक पिनिंग हो जाएगा, फोल्डिंग भी हो जाएगा और एज स्कैनिंग भी हो जाएगा। तो 3-4 आदमी प्रोसेस के लगते थे, वो एक ही आदमी से आपका 3-4 आदमी का काम हो जाएगा। तो उसके बाद सिर्फ रहता है कटिंग का प्रोसेस। कटिंग मशीन में भी 3 टाइप के मॉडल होते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से मशीन लगा सकते हो। जैसे ये एक मशीन सिमिलर रहेगी 3 मॉडल में, जैसे 5, 6 और 7 नंबर मॉडल हैं, तो सभी में ये मशीन सिमिलर है, उसके साथ 3 टाइप के कटिंग के मॉडल हैं। जो 5 नंबर मॉडल में आपकी कटिंग मशीन आएगी वो मैनुअल आएगी, तो जिसका कम बजट है वो मैनुअल मशीन लगा सकता है कटिंग साथ में, जिसका थोड़ा बजट है बढ़िया है वो सेमी ऑटोमेटिक लगा सकता है, और जो फुली ऑटोमेटिक भी चाहता है तो वो 7 नंबर मॉडल लगा सकता है। मैनुअल में होता है साइज एडजस्टमेंट होती है जो खुद करनी पड़ती है मैनुअल, और उसमें सेफ्टी सेंसर नहीं रहता मैनुअल में कोई, और जो सेमी ऑटोमेटिक होता है उसमें सेफ्टी सेंसर रहते हैं, और जो फुली ऑटोमेटिक आती है उसमें सेफ्टी सेंसर भी रहेगा और प्रोग्राम भी रहेगा। जो अपने साइज़ की कटिंग करनी है एक बार ही प्रोग्राम में फीड कर दोगे तो सभी, अगर 1 साल बाद वो साइज़ कटिंग करना है तो वो सेम साइज़ की कटिंग हो जाएगी। आपको तीनों मॉडल्स की वीडियो दिखाऊंगा, इसकी भी दिखाऊंगा और तीनों टाइप की कटिंग की भी दिखाऊंगा, जिससे आपको मशीन की अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे कौन सी मशीन वर्किंग करती है। तो जैसे इस 7 नंबर के बाद हमारे पास 8 नंबर मॉडल भी होता है, जिसमें आपका बस आपने यहाँ पे पेपर और टाइटल रखना है, एक ही आदमी से आपका सारा काम हो जाएगा, उसमें होएगा सिटिंग, फोल्डिंग, एडजस्ट कटिंग, कटिंग भी साथ ही में हो जाएगा। जो भी कस्टमर ये मशीन लेता है 3-in-1 वाली, और जिसने पहले भी ली हुई है, तो इन फ्यूचर वो साथ में कटिंग मशीन अटैच करना चाहता है तो इसी मशीन के आगे कटिंग मशीन भी अटैच हो जाती है। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसकी आपको मैं रनिंग भी करके दिखाऊंगा सारी।
जो नोटबुक मेकिंग बिजनेस का शुरू करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है? एक तो आपको जो मशीन्स का सेटअप है, आप 15 बाय 10 के कमरे से या 15 बाय 15, 10 बाय 10 के कमरे से बिजनेस को शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटी मशीन हैं। एक ये मशीन लगेगी, एक कटिंग मशीन लगेगी, दोनों मशीन 10 बाय 10 के कमरे में दोनों मशीन आ जाती हैं ये वाली। तो एक आपका मशीन्स की और लैंड की रिक्वायरमेंट हो गई। आप रेंट पे भी लेकर कर सकते हो, 200 से 250 स्क्वेयर फीट एरिया चाहिए पूरा। तो एक उसके बाद आपको एक चाहिए पेपर चाहिए और एक टाइटल चाहिए, और एक ये वायर वायर का रोल लगता है रॉ मटेरियल में। ये भी आपका जो भी आपने टाइटल लेना है, या आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो कस्टमाइजेशन भी मिल जाएगी आपको। जैसे आपने अपना लोगो प्रिंट कराना है, स्कूल का नेम प्रिंट कराना है, तो कोई भी आपको कस्टमाइजेशन चाहिए वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको मशीन्स की वीडियो भी दिखाता हूँ, अभी आपको दूसरी मशीन दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये कटिंग मशीन है, आप देख लीजिए दोस्तों, ये कटिंग मशीन है जो मैंने आपको भी दिखाई थी, मैनुअल कटिंग मशीन है ये। इसमें जैसे होता है कटिंग करना, ये भी पैकिंग हुई हुआ है, खुली हुई है मशीन, वो प्लेट लगेगी यहाँ पे। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा। इसमें ये मैनुअल में होता है, जैसे दाब आएगी, दाब ऐसे घुमा कर आएगी, कटिंग करना है, लीवर को खींचोगे तो कटिंग होएगी। तो जो सेमी ऑटोमेटिक होता है वो सारा मोटराइज होता है, स्विच से कंट्रोल होता है। ये भी मोटर से होता है, लेकिन ये आपको लीवर खींचोगे तो फिर छुरी आएगी, दाब इससे आएगी। और सेमी ऑटोमेटिक में होता है आपका सारा स्विच से कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए आपका बजट के हिसाब से है, अगर आपका बजट बढ़िया है तो सेमी ऑटोमेटिक भी लगा सकते हो, ऑटोमेटिक भी लगा सकते हो। अगर कम बजट है तो आप ये मशीन लगा सकते हो, मैनुअल ऑटोमेटिक ले लो। इससे आपका होगा पूरा मैनुअल सेटअप जाने से बढ़िया, आप एक 3 मंथ फुली ऑटोमेटिक लो और एक मैनुअल कटिंग ले लो, अगर कम बजट है। तो इससे होगा आपका लेबर ऑफ कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी उससे, तो आप मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हो उससे। मैं आपको ये देख सकते हैं, हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सारा, ये सभी आप देख सकते हो, हमारी सारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, सभी मशीन यहाँ पे बन रही हैं। और ये देखो आप कितनी बढ़िया पैकिंग हुई हुई है, कोई भी मशीन जाती है बाहर तो ऐसे वुडन बॉक्स में, जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो मशीन जब जाएगी ऐसे पैकिंग होगी जाती है पूरी वुडन बॉक्स में, एक्सपोर्ट पैकिंग कहते हैं इसको। और किसी भी कस्टमर को कोई भी मशीन ऑर्डर करना है, अगर वो फैक्ट्री विजिट करना चाहता है तो फैक्ट्री विजिट कर सकता है, वीडियो कॉल पे भी हमको कह सकता है कि हमें फैक्ट्री दिखा दो, मशीन दिखा दो, वो तब भी दिखा सकते हैं। कस्टमर अपने सिटी से बैठा कहीं पे भी ऑर्डर करे, विद इन वीक या 10 डेज मशीन यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी। लगभग हमारे पास रेडी स्टॉक भी रहता है, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से 10 से 15 दिन लग जाते हैं मिनिमम। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि बहुत इजी मशीन है, तो इसमें बस आपने जैसे वीडियो में देख रहे हो आप, बस पेपर और टाइटल हम रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक स्टिचिंग हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा और एडजस्ट करिंग हो जाएगा। जो भी काम पहले मैनुअल होता था वो सारा एक ही मशीन में एक ही लेबर के साथ हो जाएगा, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगी, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगा। तो देखिए, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, बस पेपर और टाइटल रख रहा हूँ मशीन पर, तो ऑटोमेटिक जो मशीन में साइज पिन साइज़ फीड किया हुआ, कितने डिस्टेंस पे पिन लगानी है, वो ऑटोमेटिक पिन लगा के फोल्डिंग करके एडजस्ट करिंग करके कॉपी को बाहर निकालते जा रहे हैं। तो ये कॉपी रेडी होने के बाद कटिंग का प्रोसेस होता है, तो मैं अभी आपको कटिंग के तीनों टाइप के मॉडल दिखाऊंगा, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। दोस्तों, ये मैनुअल पेपर कटिंग मशीन जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं दाब आ रही है नीचे, तो हाथ से घुमाना पड़ेगा, ये मैनुअल वर्क होता है, तो इसको मैनुअल पेपर कटिंग मशीन कहते हैं। ऊपर दाब आ गई हाथ से, अब जो कटिंग करनी है तो उस लीवर को खींचोगे तो कटिंग हो जाएगी, तो ये मैनुअल मशीन होती है। तो इसके बाद मैं आपको प्रोसेस देता हूँ सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन का। मैनुअल में ऐसे ही दाब हाथ से आएगी, दाब हाथ से ऊपर जाएगी, मेज़र भी दाब मैनुअल जाएगा हैंडल से आगे पीछे, ये पूरी मैनुअल वर्क होता है। अभी जो वीडियो में दिख रही है आपको, ये सेमी ऑटोमेटिक पेपर कटिंग है, उस मैनुअल में जैसे दाब हाथ से घुमा के आ रही थी, इसमें स्विच प्रेस करने पे आ गई है, तो देखो स्विच प्रेस किया, कटिंग हो गया बस। तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, इसमें सेफ्टी सेंसर भी लगा रहता है, स्विच से दाब आएगी, स्विच से ही कटिंग हो जाएगी, इसको सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं, इससे आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेटिक पेपर कटिंग मशीन। इसमें जैसे हमने कॉपी के हिसाब से साइज़ फीड कर दिया है, तो जैसे हम एक कटिंग करेंगे तो नेक्स्ट साइज़ जो मेज़र का होगा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब देख सकते हैं वीडियो में भी कटिंग करके दिखाऊंगा, इसकी दाब भी ऑटो आएगी, देख सकते हैं, सिर्फ कटिंग वाला स्विच प्रेस किया हमने, दाब भी ऑटो आ गई है और कटिंग भी ऑटोमेटिक हो गई है।
अभी आप देखो हमने कटिंग किया, तो नेक्स्ट साइज़ जो होगा कटिंग का पीछे वाला, देखो आप गेज पीछे जाके ऑटोमेटिक सेट हो गया है नेक्स्ट नेक्स्ट साइज़ कटिंग करने के लिए। तो इसमें जो हमने एक साइज़ फीड कर दिया, चाहे साल बाद भी आपने कटिंग कर दी है तो सेम साइज़ की कटिंग आएगी। तो ये प्रोग्रामेटिक फुली ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन है। तो ये तीन टाइप के मॉडल हैं कटिंग के। दोस्तों आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।